हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ वीकली प्रेडिक्शन। वीक स्टार्ट हो रहा है 12th फरवरी 2024 से लेकर 18th फरवरी 2024 तक। दोस्तों, मैं प्रेडिक्शन स्टार्ट करने से पहले अक्सर हर बार अपने वीडियोस में कुछ लेक्चर देता हूँ। कुछ एस्ट्रोलॉजी से संबंधित होते हैं, कुछ लाइफ के फैक्ट से संबंधित होते हैं, तो आज फिर एक एस्ट्रोलॉजी से संबंधित आपको छोटा सा लेक्चर दूंगा। देखिए, बहुत सारे लोग अजीब अजीब कमेंट करते हैं कि सर, आपने इस वीडियो में ये बोला इस एसएनएस के बारे में, इस वीडियो में ये बोला, मेरे साथ क्या ये होगा, क्या मेरी लॉटरी लग जाएगी, मंगल उचके हो रहे हैं, क्या ये हो जाएगा, मंगल उचके चल रहे हैं, ये हो जाएगा। देखिए सर, मंगल उचके चल रहे हैं वो सिर्फ आपके लिए नहीं चल रहे, पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरी कायनात के लिए चल रहे हैं। गुरु अगर एरिस में है तो वो सबके लिए हैं, सैटर्न अगर एक्वेरियस में है तो वो सबके लिए हैं, राहु अगर पाइसिस में है तो वो सबके लिए हैं, और केतु अगर वर्गों में है तो वो भी सबके लिए हैं। लेकिन आपके बर्थ चार्ट में, मैं बार बार रिपीट करता हूँ गाइज, आपके बर्थ चार्ट में किस प्लैनेट की महादशा और अंतरदशा चल रही है, यू नीड टू नो ऑल दिस थिंग्स। जिस प्लैनेट की महादशा चल रही है और अंतरदशा चल रही है, उसको हम ज़्यादा ट्रांजिट में कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि महादशा और अंतरदशा वाला प्लैनेट जो होता है उसका इफेक्ट इंसान के ऊपर ज़्यादा पड़ता है। मैं अपने हर एक वीडियो में ये बताता हूँ, ट्रांजिट का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन ट्रांजिट से भी बड़ा रोल है आपके महादशा अंतरदशा का। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके घर के ऊपर डिश टीवी लगा हुआ है, उस डिश टीवी का कनेक्शन ऊपर सोलर सिस्टम के साथ है, सैटेलाइट सिस्टम के साथ है, तो डिश टीवी जो रेसिस हैं, रेज हैं, उनको सैटेलाइट से कैच करता है, तो आपका टीवी चलता है। और आप अपने बेड पे बैठे बैठे अपने रिमोट से अपने टीवी को ऑन करते हो तो आपका टीवी ऑन हो जाता है, जबकि रिमोट की कोई तार नहीं होती, कोई लीड नहीं होती जो आपकी एलईडी के साथ या एलसीडी के साथ लगी हो, फिर भी आपका रिमोट ऑन करने से आपका जो एलईडी है वो स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक दूसरे के साथ कनेक्शन है। जो रेसिस आ रही हैं रिमोट की टीवी तक, एलईडी तक जा रही हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। उसी तरह से सोलर सिस्टम में, ब्रह्मांड में जो प्लैनेट गोचर कर रहा है, जिस हाउस में कर रहा है, आपके महादशा अंतरदशा के साथ उसका क्या संबंध है? अब आपके ऊपर दशा चल रही हो बृहस्पति की, और आप रोला डाल रहे हो, यार मेरे लगन में राहु है, मेरे लगन में गोचर में राहु चल रहा है, मेरे लगन में शनि चल रहा है, मेरे लगन में ये चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या देखें कि महादशा बृहस्पति की है, तो बृहस्पति आपके लगन के हिसाब से, यानी जुपिटर आपके लगन के हिसाब से कहां ट्रांजिट कर रहा है। अगर आपको वो पता होगा तो आप इजिली चीजों को कैलकुलेट करेंगे। महादशा अंतरदशा इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद ट्रांजिट। ट्रांजिट, आप बात को समझे, ये गोचर है, ये ऊपर, ये ट्रांजिट है, आसमान है, ये नीचे हम हैं, ये समझ ले मैं हूं अमित कपूर, ये ऊपर से 9 प्लैनेट्स की एनर्जी आ रही है और ये नीचे मैं हूं। अब मेरे ऊपर जिस प्लैनेट की महादशा या अंतरदशा चल रही है उसका इफेक्ट मेरे ऊपर ज्यादा होगा, और जो बाकी प्लैनेट है, 7 प्लैनेट है, उनका इफेक्ट मेरे ऊपर 30% 25% रहेगा। लगन लॉर्ड है तो उसका 50-60-70% रहेगा, लेकिन अगर आपके ऊपर लगन लॉर्ड की ही महादशा चल रही, 5th हाउस लॉर्ड, 9th हाउस लॉर्ड, 2nd हाउस लॉर्ड या 11th हाउस लॉर्ड की दशा चल रही है तो उनका इफेक्ट होगा, 6th हाउस लॉर्ड की दशा उनका। सो आपको ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, किस प्लैनेट की महादशा चल रही है। अब राहु केतु का कोई अस्तित्व नहीं है, अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखें तो अस्तित्व नहीं है, लेकिन मेरा मत ये मानना है कि अगर आपके हॉरोस्कोप में राहु की महादशा चल रही है, राहु आप समझ लें कि कन्या राशि में सब राशि के होते हैं और केतु जो है सैजिटेरियस साइन में सब राशि के होते हैं, समझ लें एक मिनट के लिए, तो आप जिन हाउसेस में कन्या राशि है, जिस हाउसेस में सैजिटेरियस है, समझ लें राहु केतु का अस्तित्व उन हाउसेस से जुड़ा हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं है, राहु केतु को कोई भी हाउसेस नहीं दिए गए, कोई भी साइन ऑन साइन इनका नहीं है, एग्जाल्टेड साइन जरूर है, लेकिन फिर भी राहु केतु के ऑन साइन ना होने की वजह से इनका अस्तित्व नहीं है। तो हम सिर्फ ये देखते हैं, यार 9th हाउस में प्लेस्ड है, ये जॉडिक साइन में प्लेस्ड है, किस नक्षत्र में प्लेस्ड है, उस नक्षत्र का लॉर्ड आपके हॉरोस्कोप में कहाँ प्लेस्ड है। एस्ट्रोलॉजी इज वेरी डीप साइंस, एस्ट्रोलॉजी अ वन हॉरोस्कोप इज इक्वल टू 300 पेजेस। आप ये मत सोचेंगे आपने डेट ऑफ बर्थ डाला, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डाला, अपना नाम डाला, जो भी हॉरोस्कोप D1 आपके सामने आ गया, वही
ही आपके भविष्य को बताएगा, ऐसा नहीं है। D1, D9 और डिविजनल चार्ट बड़े हैं, जब तक उनकी एक एस्ट्रोलॉजर स्टडी नहीं करता तो आपको एक अच्छी प्रेडिक्शन नहीं दे सकता। तो आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है दोस्तों कि महादशा अंतरदशा किस प्लैनेट की है। अब मंगल अगर उठ चुके हैं इस महीना फरवरी के महीने में, तो क्या आपके ऊपर मंगल का कोई महादशा अंतरदशा चल रही है, तो आपके लिए बड़े योग कारक होंगे। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं, या अगर आपका मेष लगन है, आपका वृश्चिक लगन है और आपकी बर्थ कुंडली में मार्स प्लेस इन वेल हाउस, तो भी मंगल का जो इफेक्ट होगा आपके ऊपर अच्छा होगा। लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट तो अच्छा होगा अगर मंगल महादशा या अंतरदशा में चल रहे होंगे। उसी तरीके से सारे प्लैनेट है, राहु जो है अगर आपके हॉरोस्कोप में महादशा में चल रहे हैं, 18 साल की महादशा राहु की है, नियर अबाउट 2 decades की महादशा है, और वो गोचर में आपके किस हाउस में आपके लग्न कुंडली के हिसाब से चल रहे हैं, उस हाउसेस के वो रिजल्ट्स आपको ज्यादा देंगे। सो दोस्तों आप स्टार्ट करते हैं वीकली प्रेडिक्शन 12th of February से लेकर 18th of February 2024 तक की। एक बार फिर मैं रिपीट करूंगा, मेरी प्रेडिक्शन आपके सेंडस के बेस पर है, आपके मून साइन सन साइन से मेरी प्रेडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने सेंडस साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुने, यू विल डेफिनेटली गेट सम इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अपकमिंग वीक एंड यू कैन मेक योर लाइफ ईजी एंड बेटर थ्रू वर्शिप एंड चैंटिंग, एंड वर्शिप एंड चैंटिंग प्ले अ बिग रोल इन कलयुग, डोंट फॉरगेट दिस। उसके बाद अब बात करते हैं एक्वेरियस सेंडस की, यानी कि कुंभ लगन की। 12th फेब से 18th फेब का जो टाइम है कि मंडे ट्यूसडे आपकी हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, नसों में प्रॉब्लम आ सकती है, आई साइड में प्रॉब्लम आ सकती है, आई साइड का नंबर बढ़ सकता है, फादर के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं, फादर की हेल्थ खराब रहेगी, मानसिक परेशानी, उतावलापन, बेचैनी रहेगी। ये सारा टाइम आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। स्पाउस के साथ रिश्ता खराब बिल्कुल ना होने दें, घर का माहौल खराब होगा, स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा होगा, फौरन से कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, बट वो अपॉर्चुनिटीज को आप इग्नोर करेंगे क्योंकि टाइम अभी प्रोडक्टिव नहीं है। मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है एक्वेरियस, मंडे ट्यूसडे मेंटली यू आर फीलिंग वेरी डाउन एंड नर्वस। देखिए वेनसडे थर्सडे आपके लिए फाइनेंशियल एक्टिविटीज में प्रॉब्लम्स आएंगी, लेन देन में दिक्कत है, ईएमआई नहीं पे कर पा रहे, क्रेडिट कार्ड्स के बिल नहीं पे कर पा रहे, या आपने कुछ इनकम टैक्स पे करना है, वैट पे करना है, कुछ भी आपका फाइनेंशियल एक्टिविटीज से संबंधित, पैसे से लेन देन से संबंधित प्रॉब्लम है, आपने किसी से इंडिविजुअल फाइनेंस ले रखा है, लोन ले रखा है, वो नहीं पे कर पा रहे हैं, मन पहले 4 दिन बहुत ज़्यादा बेचैन और परेशान रहेगा। फ्राइडे को एक पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी कि अचानक से कुछ धन लाभ आपको होगा जिससे आप डेप्स क्लियर करेंगे, बट दैट इज़ नॉट एज पर योर एक्सपेक्टेशंस। भाई के साथ, बहनों के साथ आपका झगड़ा हो सकता है, सिबलिंग्स के साथ फ्राइडे सैटरडे को प्रॉब्लम हो सकती है, इन लॉस के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। बेटर है कि कॉन्ट्रोवर्सी में ना फंसें, अदरवाइज चीज़ें बहुत ज़्यादा वाहियात हो जाएंगी आपके लिए और आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। शनि लगन में है और ये आपका टेस्ट ले रहे हैं, इम्तिहान ले रहे हैं। अगर आपका कुंभ लगन है और आप राहु केतु की दिशाओं से निकल रहे हैं तो डेफिनेटली दिस इज अ स्ट्रगलिंग टाइम एंड स्ट्रगलिंग वीक फॉर यू। काली माता की उपासना रोज रात को करें, 3 सूखे नारियल सिर से 17 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के चलते पानी में जल प्रवाह करें, 3 सूखे नारियल वेनसडे वाले दिन और सैटरडे वाले दिन हफ्ते में 2 बार जल प्रवाह करें, हर रोज रात को काली चालीसा 3 बार 5 बार 7 बार या 11 बार पढ़ के या सुन के सोएं तो पॉजिटिविटी रहेगी। अवॉइड वेयरिंग ब्लैक एंड ब्लू क्लॉथ्स स्पेशली ट्यूजडे और सैटरडे तो आपने बिल्कुल नहीं डालने। गरीब लोगों को खाना खिलाएं सैटरडे वाले दिन, हैंडीकैप लोगों को चैरिटी करें सैटरडे वाले दिन, तो आपके लिए कुछ अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं पाइसेस की, 12th February से 18th February के बीच मीन लगन। देखिए मंडे ट्यूजडे आपको धन लाभ होगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, फादर से बड़ी सपोर्ट आपको मिलेगी, प्रॉपर्टी से गेन आपको मिलेगा, फाइनेंशियल एक्टिविटीज बहुत अच्छी रहेंगी, भाग्य का भरपूर सहारा मिलेगा, बिजनेस में बहुत अच्छा राइज करेंगे, सम सडन अनएक्सपेक्टेड गेन्स आर देयर, यू विल एंजॉय नेम fame, prosperity, health, wealth will be ultimate. You will enjoy all-round success on Monday, Tuesday. You will clear your old debts on Monday, Tuesday. And Wednesday, Thursday again, you will be bounced back. Some unexpected money will knock you. अचानक से कोई बड़ा पैसा, कोई बड़ा धन लाभ आपको कहीं से मिलेगा। स्टॉक मार्केट से बेनिफिट हो सकता है, प्रॉपर्टी सेल परचेज से बेनिफिट हो सकता है, या फादर से या इन लॉस से बेनिफिट हो सकता है। दैट विल बी अ बिगेस्ट गेम चेंजर टाइम फॉर यू ऑन वेनसडे थर्सडे। यू विल एंजॉय नेम फेम प्रोस्पैरिटी एंड यू विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर। लिटिगेशंस में थे तो वेनसडे थर्सडे को जो फैसला आएगा आपके फेवर में आएगा। स्पाउस के साथ रिश्तों को थोड़ा बचा के चलें, स्पाउस के साथ फॉल्स कमिटमेंट या बिजनेस पार्टनर के साथ फॉल्स कमिटमेंट ना करें। फ्राइडे सैटरडे को स्ट्रेस टेंशन एंग्जाइटी रहेगी बट इनकम बढ़ी अच्छी इस वीक में। मंडे से सैटरडे तक आपकी 10 उंगलियां घी में,
फनास बहुत अच्छा है, जिससे आपके काफ़ी रुके हुए काम इस वीक में पाइसेस होंगे। भाग्य का भरपूर सहारा मिलेगा, विदेश से कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, बड़े भाइयों से पैसा मिल सकता है, हायर अथॉरिटी से लोन मिल सकता है, हायर अथॉरिटी विल सपोर्ट यू, समथिंग इज देयर विच विल मेक यू हैप्पी, दिस इज अ वेरी प्रोडक्टिव एंड रिवॉर्डिंग टाइम फॉर यू। सो स्टे कूल मैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई एम प्रेइंग फॉर योर हैप्पी फ्यूचर एंड थैंक यू फॉर योर लव। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।